नमस्कार दोस्तों, यह मूवी एक ऐना नाम की लड़की की है जिसकी मौत हो गई है और उसकी बॉडी को मुर्दा घर में लाया गया है, जो कि एक फेमस एक्ट्रेस होती है। मुर्दा घर में एक पावो नाम का लड़का काम करता है, जो कि अपने फ़ोन से ऐना की फ़ोटो क्लिक करता है और अपने फ्रेंड को भेजता है। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त उनसे मिलने आते हैं और वो लोग साथ में ड्रिंक करते हैं। इसके बाद उन तीनों का पार्टी में जाने का प्लान होता है, पर पावो के दोस्त उससे पूछते हैं, क्या ऐना की बॉडी अभी भी यहाँ है? पावो कहता है, हाँ, ऐना की बॉडी अभी भी यहाँ है। वो लोग पावो से कहते हैं उन्हें भी ऐना की बॉडी को देखना है। पावो उन्हें मना कर देता है और कहता है ऐसा करने से उसकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन वो लोग पावो को मना लेते हैं और फिर तीनों ऐना की बॉडी के पास चले जाते हैं और पावो ऐना की बॉडी दिखाता है। पर इवान के इरादे कुछ नेक नहीं थे। वो ऐना को बिना कपड़ों के देखने के लिए ऊपर ढका हुआ सारा कपड़ा हटा देता है और उसकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। उसके दोस्त उसे मना करते हैं कि एक डेड बॉडी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इवान उससे कहता है, तुम भी ट्राई करके देखो, बड़ा मजा आता है। इसके बाद ये लोग भी ऐना की बॉडी के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। तभी इवान डेड बॉडी का रेप करने को कहता है तो उसका दोस्त हावी मना करने लगता है और कहता है ये सब गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब पावो उससे कहता है वह ऐसा पहले भी कर चुका है और आज यहाँ कोई भी नहीं आने वाला है। हावी वहाँ से जाने लगता है तो पावो उसे समझाने उसके पीछे जाता है। तभी इवान को मौका मिल जाता है और वह ऐना की बॉडी का रेप करने लगता है। फिर कुछ देर बाद पावो आता है, ऐना की बॉडी को छेड़ने लगता है और उसकी लिप को छूने लगता है। कुछ देर बाद वह ऐना के बॉडी का रेप करने लगता है। वह रेप कर रहा होता है तभी क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है। ऐना की बॉडी जिंदा हो गई, पर पावो तो मस्त था अपने काम में। पर अचानक पावो की नज़र ऐना के फेस पर पड़ती है तो उसे पता चलता है ऐना जिंदा हो चुकी है। अब वह घबरा जाता है और नीचे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसके दोस्त भागते हुए आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। पावो कहता है ऐना जिंदा हो गई है। तभी किसी की आवाज आती है, वो तीनों ऐना की बॉडी पर कपड़ा डालकर लाइट बंद करके छुप जाते हैं। ऐना कोशिश करती है कि जो आदमी आया है उसको कोई इशारा कर सके, पर वह कुछ भी नहीं कर पाती है। वह अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही होती है। वह आदमी एक दूसरी डेड बॉडी वहां रखकर चला जाता है। जाते वक्त वह उस जगह को बाहर से लॉक कर देता है। फिर वो तीनों बाहर आते हैं और इवान ऐना को मारने का प्लान बनाता है। वो कहता है इसे नहीं मारा तो बाहर जाकर ये सब कुछ बता देगी, लेकिन हावी उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, और कहता है तुमने गलत किया है और तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। वो वहां से बाहर जाने लगता है, तभी पता लगता है कि गेट बाहर से लॉक है। इवान पावो से गेट की चाबी मांगता है तो वह कहता है इसके पास चाबी नहीं है। हावी हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है और इवान उसे मारने लगता है। वो नहीं चाहता था कि कोई वहां पर आए और ऐना को बचाए, क्योंकि ऐसा होने पर ऐना सबको सच बता देती। मारने से हावी के सर पर चोट लगती है और हावी का बहुत खून बह जाता है। पावो और इवान हावी को घसीट कर दूसरे जगह ले जाते हैं। अब इवान ऐना की बॉडी लाने को बोलता है और पावो ऐना की बॉडी ले आता है। फिर पावो अपने एक को वर्कर को कॉल लगाता है ताकि वो बाहर से लॉक खोल सके। इसके बाद वो आदमी आता है। ऐना उसे चिल्लाकर बताने की कोशिश करती है, लेकिन इवान उसका मुंह बंद कर देता है। हावी की सांसें थम गई थी और वह मर चुका था। पावो रोने लगता है और कहता है ये क्या हो गया, हमने अपने साथी को मार डाला। इवान पावो से कहता है जो हुआ वह एक एक्सीडेंट था। वह कहता है हमें जेल जाने से बचना है तो ऐना को मारना होगा और हावी की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। दूसरी तरफ ऐना अपने आप को बड़ी मुश्किल से नीचे गिराती है और हावी का फोन निकालकर हेल्प के लिए फोन लगाती है। तभी वहां इवान आकर ऐना से फोन छीन लेता है। इवान कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो देखता है ऐना ने एक कॉल लगाई है, लेकिन वो कॉल कनेक्ट नहीं हुई थी। फिर पावो और इवान ऐना को मुर्दा घर में ले जाते हैं। हावी की बॉडी ठिकाने लगाने के लिए इवान एक कंटेनर लेने जाता है और ऐना पावो को बताती है हावी अपने आप नहीं मरा, उसे इवान ने मार दिया उसका गला दबाकर। पावो शॉक होता है, पर वह ऐना की बात पर विश्वास नहीं करता है।
फिर वो ऐना को बांध कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ऐना अपने आप को छुड़ाकर खड़ी होने की कोशिश करने लगती है, पर वह खड़ी नहीं हो पाती और नीचे गिर जाती है। वो घिसट घिसट कर आगे बढ़ती है और लिफ्ट के अंदर चली जाती है और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देती है, लेकिन लिफ्ट का गेट बंद होता इससे पहले इवान वहाँ आ जाता है और ऐना को घसीटते हुए मुर्दा घर ले जाता है। वो दोनों प्लान बनाने लगते हैं कि ऐना को कैसे मारना है। पाव के हाथ में एक कपड़ा होता है। इवान पाव से कहता है, इस कपड़े से ऐना की सांस रोककर उसे मार दो, लेकिन पाव मना कर देता है। वह उसे मारना नहीं चाहता, उसे लगता है कि हावी को इवान ने ही मारा है। इवान अकेले फंसना नहीं चाहता था तो वह पाव का हाथ पकड़कर ऐना की सांस रोककर ऐना को मार देता है और ऐना मर जाती है। इवान हावी की बॉडी को कंटेनर में डालकर ठिकाने लगा देता है। दूसरी तरफ पाव ऐना की बॉडी से सारे सबूत मिटाता है और दोनों ऐना की बॉडी को छोड़कर जाने लगते हैं। तभी इवान को लगता है उसने अपना कुछ सामान अंदर गिरा दिया है। वो फिर से अंदर आते हैं। ये क्या, ऐना उनके सामने खड़ी थी। ऐना अभी भी जिंदा है। वो लोग हैरान हो जाते हैं। इवान पाव का गला दाबने लगता है और उसे नीचे गिरा देता है। तभी ऐना इवान के गले में सीजर से वार करती है और इसके बाद पाव को भी मार देती है और मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में सभी काल्पनिक बात दिखाई गई है, ऐसा करना इम्पॉसिबल है। अगर मूवी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।